हेलो व्यूअर्स, आज बात करते हैं कि एमआरआई ब्रेन और सीटी स्कैन ब्रेन में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता है कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन सीटी स्कैन ब्रेन और एमआरआई ब्रेन में क्या क्या डिफरेंस है वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आम पब्लिक के लिए, पेशेंट के लिए, या हम लोग को ज़िंदगी में ये नॉलेज ज़रूरत है बहुत इम्पोर्टेंट कि एमआरआई ब्रेन और सीटी स्कैन ब्रेन यह हम लोग का ज़िंदगी में कभी ना कभी तो करना पड़ता है, शायद उम्र होने के बाद या कम उम्र के में, या अपना रिलेटिव या सबको करना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या करता है, कभी सीटी स्कैन ब्रेन एडवाइस करता है, करने के बाद फिर भी एमआरआई ब्रेन एडवाइस करता है। लेकिन सीटी स्कैन में भी ब्रेन दिखाई देता है, एमआरआई में भी ब्रेन दिखाई देता है, लेकिन उसमें कितना सारा डिफरेंस है, तब जाके ये सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन की इतना डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें बात करते हैं कि देखिए एमआरआई ब्रेन में ये एक जो सीक्वेंस आप देख रहे हो उसमें है T2 सीक्वेंस। ऐसे अलग अलग सीक्वेंस लिया जाता है, ठीक है, बहुत सारा सीक्वेंस जैसे T1, T2, स्टार, फेटसेट, ये सारा सीक्वेंस में क्या आता है, जो अलग अलग सीक्वेंस बहुत अच्छे से अलग अलग पार्ट को क्लियरली विजुलाइज करता है। बात क्लियर है, ठीक है। जैसे ये T2 सीक्वेंस है, इसमें अपना जो फ्लूइड है उसमें वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, जितना सारा फ्लूइड से वो क्या हो रहा है, वाइट आ रहा है। देखिए ये CSF है, ये सारा वाइट आ रहा है, यहाँ पर वाइट आ रहा है, लेकिन ये जो अपना ब्रेन टिश्यू है वो ग्रे कलर का आ रहा है, वो जो बोन है ये अलग कलर का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका अगर नेक्स्ट सीक्वेंस में चला जाए तो इसमें आपको देखिए जैसे अपना ये कुछ देखिए ये ग्रेडियंट सीक्वेंस है, ठीक है। ग्रेडियंट सीक्वेंस में इसमें क्या आ रहा है, पूरा अलग सा, उसमें अपना जो कोई ब्लीडिंग है क्या नहीं ब्रेन में, वो ब्लीडिंग है तो उसको ब्लैक कलर आएगा, ऐसे ऐसे बहुत बहुत पूरा अलग अलग सीक्वेंस है। मेरा सीधा बात तो उसमें तो बहुत बात करने से बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन तो मेन बात है कि उसमें अलग अलग सीक्वेंस आता है, ठीक है। अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग तरीका के, जैसे फ्लैट सीक्वेंस में कुछ अलग अलग पार्ट दिखाई देता है अलग तरह से, ठीक है ना। और डिफ्यूजन सीक्वेंस बात करें तो उसमें अपना जो इन्फ्राक्ट है या अपना जो डी इन्फ्राक्ट है या अपना जो क्रोनिक इन्फ्राक्ट या एक्यूट इन्फ्राक्ट, ये सारा चीज़ अच्छा से दिखाई देता है, ठीक है ना, डिफ्यूजन और ADC इमेजेस है। तो ये अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग चीज़ सैटेटल कोरोनल, ये सारा चीज़ लेके ब्रेन को अपना कार्ट लिया जाता है MRI में। अभी बात करते हैं सीटी स्कैन के, तो सीटी स्कैन में अपना देखे ये है अपना MRI का सैटेलाइट T2 इमेज, जिसमें देखिए कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है अपना सारा चीज़, कितना डिफरेंशिएट स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स, यस कॉर्पस्कुलोसम, CSF, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, जायरिस, अल्कास, कितना से अपना सेरिबेलम पार्ट या सेरिब्रल हेमोस्फीयर पार्ट कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये देखिए अपना ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेनॉइड साइनस या फ्रंटल साइनस, मतलब बूनी पार्ट या मेनिंजियस पार्ट, ये कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सारा चीज़ क्या है, क्लियरली एज एनहांसमेंट बहुत क्लियर है। लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे सीटी स्कैन का, तो एक ही कलर का इमेज आता है, एक ही स्केल कॉन्ट्रास्ट हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है सीटी स्कैन इमेज। देखिए MRI में जितना क्लियरली दिखाई देता है सारा पार्ट डिवाइडेशन करके, जैसे ये पार्ट देखिए बेसल गैंग्लिया मिड ब्रेन का पार्ट देखिए, इसमें ये पार्ट हम अगर से MRI में चला जाए तो क्या होता है, इसमें अपना देखिए ये पार्ट में हम जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट देखिए कितना अच्छा से क्लियर आ रहा है, जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पुटामेन अलग है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर थैलेमिक पार्ट है, मतलब ये क्लियर है, जैसे CSF क्लियर है, ये सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना चाहिए, देखिए अपना ऑप्टिक है, ये देखिए ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक मासूल है, ठीक है ना, ये मासूल है, लेटरल लेट्रास, ये सारा मासूल है, तो कि सब कुछ मतलब बहुत क्लियर है। अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग पार्ट को क्लियरली दिखाई देता है। हाफ एन आवर मिनट स्कैन करके MRI लिया जाता है, और सीटी स्कैन जो है वो अपना 10 सेकंड या 15 सेकंड का अंदर स्कैन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सीटी स्कैन में सिर्फ अपना बूनी पार्ट जो है और सॉफ्ट टिश्यू जो पार्ट है, नॉर्मली जरा मेजर ब्लीडिंग या जो अलग अलग एब्नॉर्मल ट्यूमर्स वो दिखाई देता तो है सब कुछ, लेकिन वो
स्पेशल है कि एमआरआई में पूरा अलग अलग से अलग अलग छोटा मोटा जो डिजीज है सब कुछ पकड़ लेता है और बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है, ठीक है ना। और सिटी स्कैन में बूनी पार्ट, जैसे और एक ये तो है अपना सॉफ्ट टिश्यू है, और एक पार्ट है सिटी स्कैन का जो बूनी विंडो आता है जिसमें बोन बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है, जिसमें इसमें दिखाई बोन को अच्छा से दिखाई दे रहा है। ये जो बूनी पार्ट है जो बोन रहता है वो बहुत अच्छे से तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें अपना जो वो पार्ट है जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें ब्रेन दिखाई देता है, ब्रेन में अपना थोड़ा सा नॉर्मली दिखाई देता है, ठीक है। ब्रेन में अपना नॉर्मल जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें दिखाई देता है, ठीक है। जैसे बेसिलर आर्टरी है वो सब सब कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीनिंग है, बाहर ब्लीडिंग है तो जरूर दिखाई देगा, छोटा ब्लीडिंग है तो जरूर दिखाई देगा, क्रॉनिक इन्फेक्ट है तो जरूर दिखाई देगा, मेनिन्जियोमा है तो जरूर दिखाई देगा, कॉन्ट्रास्ट भी सिटी स्कैन होता है, वो सब बहुत लंबी बात है। लेकिन एमआरआई और सिटी स्कैन में बेसिक सीक्वेंस ये है, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ब्रेन में हम लोग ये देखा यार कि उसमें बहुत तरह के सीक्वेंस लेता है, बहुत कलर की इमेज आता है और बहुत अलग से एज एनहांसमेंट करके अलग अलग स्कैन में अलग अलग पार्ट को क्लियरली दिखाई देता है एमआरआई में। जैसे सिटी स्कैन में एक ही इमेज आता है उसमें सारा चीज़ एज एनहांसमेंट काम रहता है और इसमें सारा चीज़ को थोड़ा दिखाई तो दिखा देता है, लेकिन एमआरआई में बेटर दिखाई देता है, बहुत बेटर बेहतरीन दिखाई देता है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने रहे मेरे फ्रेंड्स, और ऐसा वीडियो हम बनाते रहेंगे मेडिकल टिप्स हेल्थ टिप्स के बारे में। आप लोग को अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ज़रूर आप लोग का लाइफ में मेडिकल के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उसमें आपका कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है और भी वीडियो बनाने का मेरे को मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बार बार बोल रहे, थैंक यू।